नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। मैं सुमित, आप सभी का टेक्स्टबुक के सुपर कोचिंग के इस नए इनिशिएटिव में, नए सीरीज में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जो लाइव लर्नर जुड़ चुके हैं, जल्दी से एक बार कंफर्म करना, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू? मेरी आवाज़ आप सभी तक अच्छे से पहुँच रही है? जो बीपीएससी एस्पैरेंट्स ज्वाइन हो चुके हैं, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत। और इस हमारे सुपर कोचिंग के सीरीज में आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से आपको पहले अटेम्प्ट में बीपीएससी क्रैक करने का एक मौका मिल सकता है, और ये मौका लेना कैसे है, उसके लिए अप्रोच क्या चाहिए, इन सभी विषयों पर अभी तक हमने चर्चा की है। और जैसे कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के इस दुनिया में अपना पहला कदम रखता है, उसका इच्छा यही होता है कि वो पहले प्रयास में ही बीपीएससी को क्वालिफाई करे। तो उसके लिए पूरा आपको सहयोग, पूरा अप्रोच डेवलप करके देना, आपके लिए नोट्स, आपके लिए एमसीक्यू, आपके पेपर चेक करना, सब कुछ आपको इस सुपर कोचिंग में मिलेगा। हमने प्रीवियस क्लास में स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क इसके साथ डिस्कस किया था। तो हमने स्मार्ट अप्रोच क्या होता है और वो स्मार्ट अप्रोच पढ़ाई में क्यों जरूरी होता है, ये सभी मुद्दों को हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। और आज के क्लास में हमें उसके आगे के कुछ पॉइंट्स जिनको चर्चा में लेना है। शुभम, हेलो, आई होप मेरी आवाज आप तक बहुत अच्छे से पहुंच रही है, और बहुत बहुत स्वागत है मुकेश, अक्षय, शुभम, दो शुभम है आज के क्लास में, और आशा। तो सबसे पहले तो आपका विजन यहाँ पे सही होना चाहिए, और जैसे कि मैं जानता हूँ आप सभी आपका विजन क्लियर करके आए हो, तभी तो आप इस क्लास को अटेंड कर रहे हो। तो आपका विजन क्लियर है कि आपको यहाँ पे बीपीएससी देना है, और बीपीएससी के साथ साथ आपको आपका शायद से यूपीएससी देने का या फिर आगे का कुछ गोल हो, लेकिन आपका विजन क्लियर है कि आपको सिविल सर्विसेज में अपना करियर बनाना है। तो ये आपका सिविल सर्विसेज का विजन यहाँ पे क्लियर है। आपका शायद ये इनिशियल गोल हो सकता है, पहला गोल शायद आपका ये हो सकता है कि आपको बीपीएससी देना है, लेकिन आपका गोल यहाँ पे सेट है। उसके लिए प्लान आवश्यक है। तो प्लान ये किसके द्वारा बनाया जाना चाहिए? प्लान होगा आपका एक सेल्फ प्लान, प्लस उसमें एक वैल्यू एडिशन किया जाएगा टेस्ट बुक द्वारा। तो हमारा पूरा टीम आपके इस प्लान में वैल्यू एडिशन करेगा, एक्शन भी हम दोनों को साथ में करनी है। ठीक है, ये दोनों को साथ में एक्शन करना है, माने क्या करना है? सर आपका प्रीवियस क्लास मिस कर दिए हैं, वो कैसे देखे? अक्षय, मेरे हिसाब से आपके कैलेंडर में आपको मिल जाना चाहिए प्रीवियस क्लास, और अगर नहीं मिलता है तो फिर आप जो है एक बार टेक्निकल टीम को मैसेज कर दीजिए, आई एम श्योर आपको वो प्रीवियस क्लास भी मिल जाएगा। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग अक्षय। तो यहाँ पे प्लान और एक्शन, ये आप खुद और टेस्ट बुक, हम दोनों मिलकर ये सारा काम करना है। तो आपका विजन, उसमें अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई समस्या आती है, तो उसमें टेक्स्ट बुक आपके साथ रहेगा। आपको गोल अचीव करते वक्त अगर कोई कंफ्यूजन होता है, तब टेक्स्ट बुक आपके साथ रहेगा। और सक्सेस का जो एक फाइनल फ्रूट, जो फाइनल रिजल्ट है, वो केवल और केवल आपका रहेगा। टेक्स्टबुक आपको यहां तक पहुंचाने के लिए मदद तो जरूर करेगा, लेकिन इन सारे प्रोसेस में हम आपके साथ रहेंगे, और उन्हीं प्रोसेस के लिए हमारा ये सुपर कोचिंग का इनिशिएटिव हमने शुरू किया है। तो किसी भी गोल तक पहुंचने के लिए, जैसे अगर आप पहले अटेम्प्ट में अगर बीपीएससी क्वालिफाई करना चाहते हो, तो मेरा लास्ट टू लास्ट लेक्चर को याद करने की कोशिश कीजिए, जिसमें मैंने बहुत ज्यादा एम्फेसिस किया था आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के ऊपर, उसका जो एनालिसिस आपको करना है, और आपका सिलेबस। तो मैं बार बार पिछले क्लास में यही कह रहा था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस, इसका एनालिसिस आपको बहुत अच्छे से करना है, और ये एनालिसिस आप जितना स्ट्रांग करोगे, उतना ज्यादा आपको सक्सेस का प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम को क्वालिफाई करने का जो आपका प्रोबेबिलिटी है, वो बढ़ेगा। सो मेक श्योर कीजिएगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस और सिलेबस एनालिसिस ठीक से करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस में मैंने इससे पहले कहा था कि एटलीस्ट आपको पिछले 5 साल का
और ज्यादा से ज्यादा अगर आप चाहो तो 10 साल का भी एनालिसिस कर सकते हो। तो 5 ईयर या फिर 10 ईयर का एनालिसिस आपने करना है, और वो एनालिसिस वाला क्लास मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया हो, तो उसको मैं अब रिपीट नहीं करूंगा। तो इन सभी चीजों को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। विजन होना चाहिए, आपका गोल जो है वो क्लियर होना चाहिए, और ये गोल में भी आपके जो है ऐसे कुछ शॉर्ट टर्म गोल और आपके कुछ लॉन्ग टर्म गोल होने चाहिए, वो बहुत जरूरी है। शॉर्ट टर्म गोल माने कि क्या, एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं कि अभी आने वाले 15 दिन में आपको ये एनालिसिस फिनिश करना है, ये हो गया आपका शॉर्ट टर्म गोल। आने वाले 2 महीना के भीतर आपको, जो मैंने प्रीवियस क्लास में आपके साथ डिस्कस किया था कि आपको 6th to 12th बिहार स्टेट बोर्ड के बुक्स फिनिश करने हैं, ये हो गया आपका लॉन्ग टर्म गोल। तो ऐसे छोटे छोटे गोल्स को अचीव करते हुए हमें लॉन्ग टर्म गोल की तरफ पहुंचना है। उसके बाद ये आपका पूरा 3 महीना के भीतर, 2 महीना के भीतर स्टेट बोर्ड का किताब फिनिश करना, अगले 3 महीना में आपका एनसीईआरटी को फिनिश करना, ये आपका मिड टर्म गोल आप उसको कह सकते हो। हमारा अंतिम ध्येय जो है वो बीपीएससी के फाइनल परीक्षा में अपने आपका लिस्ट, जो मेरिट लिस्ट है उसमें नाम लेके आना। उसके बाद पीटी क्वालिफाई करना, ये एक लॉन्ग टर्म गोल है। मेंस क्वालिफाई करना, ये एक लॉन्ग टर्म गोल है। और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट में आना, ये हमारा अल्टीमेट गोल है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अक्षय पूछ रहे सर, यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स का क्लास 3:30 में इंग्लिश में होता है और हम लोग को थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है आपको, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज से प्रॉब्लम है या कुछ और आपको टेक्निकल प्रॉब्लम आता है, पहले वो बताइए। ठीक है, तो ये पूरा प्लान आपको इस प्रकार से करना है। और जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस और सिलेबस को नहीं समझते हो, तब तक आप आपके गोल सेट नहीं कर पाओगे। मैं फिर से आज वही कहूंगा कि अगर आपने एनालिसिस नहीं किया है तो आज तुरंत, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, आपको आने वाले 15 दिन के भीतर, अगले 15 दिन का टारगेट रखो, विद इन 15 डेज आपको ये एनालिसिस कंप्लीट करना है। अगर ये एनालिसिस आप कंप्लीट करते हो तब आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई होने का जो प्रोबेबिलिटी है बढ़ेगा। मैं फिर से जो प्रीवियस क्लासेस में मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिकॉल करा के देता हूँ आपको। एनालिसिस करते वक्त आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज प्लस सब टॉपिक वाइज एनालिसिस करना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप हिस्ट्री का एनालिसिस कर रहे हो, मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, मान लीजिए कि यहाँ पे आपका एनालिसिस चल रहा है हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री को आपको बायफर्केट करना है आपके एंशियंट में, मेडिवल में और मॉडर्न में। कुछ इस प्रकार से आपको आपका एनालिसिस यहाँ पे करना है। मान लीजिए आप मॉडर्न का एनालिसिस कर रहे हो, तो उसमें भी आपने कुछ खास बातों का ध्यान रखना है। जैसे फिर आप यहाँ पे तय कर लीजिए कि आपका रेगुलेटिंग एक्ट जो है, तो रेगुलेटिंग एक्ट से लेके, रेगुलेटिंग एक्ट आपका आया था 1773 में, वहां से लेके आपके 1857 रिवॉल्ट, यहां तक कितने क्वेश्चन पूछे गए इसका एनालिसिस आपको करना है। उसके बाद 1857 से लेके 1885 तक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तक कितने क्वेश्चन पूछे गए, 1885 से लेके गांधीयन एरा तक कितना क्वेश्चन पूछा गया, और गांधीयन एरा से लेके आपके इंडिपेंडेंस तक कितने क्वेश्चंस पूछे गए। तो कुछ इस प्रकार का अप्रोच और एनालिसिस बच्चों अगर आप करते हो, ट्रस्ट मी, आपका एग्जाम के साथ जो एक फैमिलियरिटी है वो इतना सही बन जाएगा, और एग्जाम में क्वेश्चन आगे क्या पूछे जा सकते हैं उसका भी अंदाजा लगाना आपके लिए आसान हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके पास पहले से ये क्लैरिटी आ जाता है। किस बात का क्लैरिटी आएगा कि कौन से टॉपिक के ऊपर
फोकस बीपीएससी ने ज्यादा रखा था और कौन से टॉपिक के ऊपर फोकस कम था, उसके अनुसार आप आपका स्ट्रेटेजी बना सकते हो कि इसके ऊपर अगर क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं तो उसको थोड़ा एक्स्ट्रा रिवाइज करना है, और कोई ऐसा टॉपिक है कि जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे ही नहीं गए हैं तो उस केस में वहां पे आवश्यक है कि उसको तो बिल्कुल तैयार करके जाना है, क्योंकि क्या पता कि बीपीएससी एक बम वहां पे डाल दे आपके ऊपर और आपको पिछले 3 साल में जिस टॉपिक के ऊपर सवाल नहीं पूछा है उसी के ऊपर आपको सवाल पूछ ले, तो इतने डेप्थ में जाके आपको एनालिसिस करना है। और ये हर विषय का, एग्जाम्पल के तौर पर अभी हम ले पॉलिटी, पॉलिटी में भी आपको यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स का अलग से एनालिसिस करना है, ये बहुत जरूरी है, ये मायने रखता है, फंडामेंटल राइट्स का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का, फंडामेंटल ड्यूटीज का, ठीक है। आपके एग्जीक्यूटिव्स में अगर हम देखें तो फिर आपके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इन सभी टॉपिक के ऊपर कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए, वो क्वेश्चन पूछे जाने का फॉर्मेट पैटर्न क्या था और उसका डिफिकल्टी लेवल क्या था। ये डिफिकल्टी लेवल वाला बात मैंने इससे पहले आपके साथ करके रखा हूं तो मैं उसको रिपीट अभी नहीं करूंगा। तो इस लेवल पर आपको एनालिसिस करना है। सेम इज एप्लीकेबल टू एग्जाम्पल आपका इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में भी आपको यहाँ पे देखना है कि आपके नेशनल इनकम जो कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जीडीपी, जीएनपी, नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट के आधार पर आपको कितना सवाल पूछा गया, ये एनालिसिस आपको करना है। उसके बाद आपका जो बजट है, बजट पर आपको कितना सवाल पूछा गया, इकोनॉमी सर्वे पर आपको कितना सवाल पूछा गया, ये सभी बातों को अगर आप ठीक से यहाँ पे गो थ्रू करोगे तब आपको एक ट्रेंड समझ में आता है एंड उसके अकॉर्डिंगली आप आपके पढ़ते समय अप्रोच क्या होना चाहिए ये अप्रोच आप डेवलप कर सकते हो। उसके बाद कई बार मैंने विद्यार्थियों को देखा है कि इतने इम्पेशेंट हो जाते हैं कि बीपीएससी का पढ़ाई करते ही उनको ये लगने लगता है कि पॉलिटी पढ़ते वक्त कब हम एम लक्ष्मीकांत पढ़े और एम लक्ष्मीकांत को कब हम रट ले। ये गलती आपके प्रिपरेशन में कभी भी मत कीजिएगा। सबसे पहले शुरुआत करना होता है आपको बेसिक से, आपका बेसिक पहले ठीक कीजिए। बेसिक के लिए मैंने आपको बोल के रखा हूं कि आपका स्टेट बोर्ड और आपका एनसीईआरटी, ये आपको पहले करना है। स्टेट बोर्ड और एनसीईआरटी के साथ साथ पैरेलली आपको जो हमारे लाइव क्लासेस है इन सभी लाइव सेशंस को आप अच्छे से अटेंड करोगे, और इन लाइव सेशंस के साथ साथ जो हमारे सुपर कोचेस है, ठीक है, तो उन सुपर कोचेस के आपके लिए कुछ ऐसे एक्स्ट्रा के वीडियो रहेंगे। ये एक्स्ट्रा के वीडियोस में ये आपको पूरा नॉलेज और परीक्षा के माध्यम से जो आपको अभी तक सवाल पूछे गए थे तो आने वाले समय में क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, उनको एड्रेस कैसे करना है, उनको टैकल कैसे करना है, और साथ ही साथ बहुत ही जरूरी बात, मतलब आपको बताया जाएगा कि आपका टाइम मैनेजमेंट आपने कैसे करना है। तो ये सभी चीज यहाँ पे हम इस सुपर कोचिंग में आपको बताएंगे। देखो कई बार ये जो इम्पेशंस आप में आता है कि नहीं हमें पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ना है, इकोनॉमिक्स के लिए हमें रमेश सिंह पढ़ना है, हिस्ट्री के लिए हम बिपिन चंद्रा, ये जल्दबाजी, ये गलती आप मत कीजिए। बेसिक पे फोकस करना है और उस बेसिक पे फोकस कैसे करना होता है ये सारा चीज हम आपको इस सुपर कोचिंग में पढ़ाएंगे। सुपर कोचिंग का यहाँ पे इंटेंशन ही यही है कि आपको बेसिक से लेके प्रो तक हमें पहुंचाना है। वो होता है ना फोन वाला सीरीज, ये iPhone 13, iPhone 13 का एक प्रो वर्जन, iPhone 13 का एक प्रो मैक्स, तो आपको प्रो नहीं, हम आपको प्रो मैक्स तक पहुंचाएंगे। तो ये प्रो मैक्स तक पहुंचाना माने आपको संपूर्ण तरीके से
इस बीपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए तैयार करना, और आपका अंतिम चरण में जो आपका मेंस इंटरव्यू का जो फाइनल मार्क्स टैली करके कट ऑफ लगेगा उसमें आपका नाम आने के लिए ये पूरा यहाँ पे पूरे एक साल का गाइडेंस इस सुपर कोचिंग के थ्रू हम आपको देंगे। इसमें आपके साथ जो मैंने अभी तक डिस्कस किया तो हमारे सुपर टीचर्स के वीडियोस रहेंगे जिसमें स्पेसिफिकली आपका स्ट्रेटेजी डिस्कस किया जाएगा। माने यहाँ पे केवल सब्जेक्ट और सब्जेक्टिव नॉलेज की बात नहीं है, यहाँ पे स्ट्रेटेजी प्लस आपका टाइम मैनेजमेंट, ये इफेक्टिवली आपको टाइम मैनेज कैसे करना है ये भी आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, और प्लस इस टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ जो स्मार्ट अप्रोच की हम बात करते हैं ये स्मार्ट अप्रोच भी यहाँ पे हमें आपका डेवलप करके देना है। तो उसके लिए हमने आपके लिए टेस्ट, स्टडी नोट्स, लाइव क्लासेस, प्लस ये जो हमारे सुपर टीचर्स है, राहुल चंदा सर हो, चंद्रा सर है, आनंद श्रीधम सर है, गुरु रहमान सर है, तो इनका एक स्पेशल आपको क्लासेस यहाँ पे मिलेगा और ज्यादा महंगा नहीं है, बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली चार्ज हम इसका लेते हैं। महीने का आपको केवल 667 रुपया इतना ही चार्ज देना है, और उसमें भी अगर आप हमारा कूपन कोड अप्लाई करोगे जो हमने हर पेज में दे के रखा हो, सुमित एम ये हमारा कूपन कोड है, तो अगर आप उस कूपन कोड को अप्लाई करते हो तो आपको और एडिशनल डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा, तो 20% का वो डिस्काउंट भी आप ले सकते हो। तो स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है, एनालिसिस सही से करना है, बेसिक से शुरुआत करनी है, और सुपर कोचिंग में हम यही फोकस करेंगे। शुरुआत का जो हमारा आपको पढ़ाने का फेज होगा, यहां पे हम आपको ये जो स्टेट बोर्ड और एनसीईआरटी है उसका एक बेस पकड़कर हम आपको पढ़ाएंगे, और प्लस हम जो आसान स्टेज से आसानी से हम धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल की तरफ बढ़ेंगे। माने पहले हम आपका बेसिक्स क्लियर करेंगे, बेस आपको पढ़ाते वक्त स्टेट बोर्ड और एनसीईआरटी का, ये हर एडुकेटर और हर विषय के लिए ये लागू करते हैं, यही एक फॉर्मूला, और उसके बाद इसमें हम वैल्यू एडिशन के लिए, यहां में जो वैल्यू एडिशन किया जाएगा उस वैल्यू एडिशन के लिए फिर आपका एम लक्ष्मीकांत, मैं पॉलिटी की बात कर रहा हूं क्योंकि यहां पे मेरे प्रीवियस जो बीपीएससी के 3 बैचेस हुए उसके भी कुछ विद्यार्थी मुझे दिखाई दे रहे, और अभी तक हमने बीपीएससी का लगभग 30-40% सिलेबस कवर किया है, और उसमें सभी ने, आपने जितने भी मुद्दे थे बहुत अच्छे से समझे, और पॉलिटी जिससे आप और ज्यादा अटैच्ड हो गए, क्यों, क्योंकि उतना इंटरेस्टिंगली यहाँ पे हमने पढ़ाया। तो यही स्पेशलिटी है सुपर कोचिंग का, बेसिक से लेके हम प्रो तक पहुंचते हैं, एनसीईआरटी स्टेट बोर्ड से लेके एम लक्ष्मीकांत तक, और ये हर विषय के लिए यहाँ पे लागू है। तो सुपर कोचिंग में ऐसा नहीं है कि हम आपके ऊपर सारा जिम्मेदारी थोप देंगे, नहीं, आपको पढ़ाते वक्त कुछ इस प्रकार से पढ़ाया जाएगा कि पहला 2 महीना में आपका ये बेसिक क्लियर हो जाए। हम ये पूरा एक 12 महीना का एक टारगेट लेके चलेंगे, हमारा यहाँ पे एक 12 मंथ का एक स्ट्रेटेजी होगा, और इस 12 मंथ के स्ट्रेटेजी में हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम कैसे क्वालिफाई करना है, इस फर्स्ट अटेम्प्ट सक्सेस को हम पूरा डिजाइन करेंगे। इसलिए यहाँ पे कहा है कि शांत रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, और जो बेसिक है पहले उसके ऊपर फोकस कीजिए। बेसिक के ऊपर आप जितना अच्छे से फोकस करोगे उतना आपको मेंस का आंसर लिखते वक्त जो एक बढ़िया कंटेंट चाहिए होता है, ये कंटेंट आपका तभी आप बना पाओगे। मैंने अब से कुछ महीना पहले टेस्ट बुक ने एक बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव शुरू किया था कि हम सिलेक्टेड जो अफसर थे उनका इंटरव्यू लेते थे। तो एक अफसर बीपीएससी को क्वालिफाई किया था, उन्होंने क्लास 1 अफसर थे, तो उन्होंने इंटरव्यू में बार बार इसी बात पर इम्फेसिस दिया, फोकस किया कि सर आपका बेसिक अगर क्लियर है तब आपका मेंस का जो आंसर है वो उतना ज्यादा वजनदार बनता है, और पेपर चेक करने वाला आपको जो है खुले हाथ से 2-4 मार्क्स जो है अधिक दे देता है, इसलिए बेसिक आपको सही से करना है, ठीक है। ये बेसिक का सही से अगर आप करोगे और ये बेसिक का प्रिपरेशन करते वक्त
अगर आप यहाँ पे कंसिस्टेंट रहते हो, निरंतर आपका पढ़ाई चलता है, तो ट्रस्ट भी आपको आपके पूरे इस प्रयास में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ पे आपको कंसिस्टेंट भी रहना है, क्योंकि कई बार बच्चे जोश जोश में पहला अटेम्प्ट है तो पहला 2 महीना जो है बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन पहला 2 महीना पढ़ने के बाद में जो है जोश एकदम ठंडा पड़ जाता है, बाद में सारी चीजें फिर पाइल अप होना लगता है। माने एनसीईआरटी के कुछ उन्होंने पहले 2, 4, 5 चैप्टर पढ़ लिए, लेकिन उस 5 चैप्टर के बाद एनसीईआरटी को उन्होंने खोल के ही नहीं देखा। बाद में अचानक से मूड हो गया, एसएससी की तैयारी को लग गए, अचानक से मन आ गया, आईबीपीएस का तैयारी करना शुरू कर दिया, बीच में ही कहीं एस्पिरेंट नाम की कोई सीरीज देख ली और अचानक से सब कुछ बंद करके यूपीएससी के पीछे भाग लिए, फिर से एकदम कोई तो पटवारी का परीक्षा आ गया उसकी तैयारी। ये जो आपका उथल पुथल चलता है ना दिमाग में, उसको पहले ठंडा कीजिए। सबसे पहले हमने शुरुआत में जो बताया विजन और आपका गोल, ये आप सेट कर लो। उसके बाद आपको कंसिस्टेंट रहना है। शुरुआत के कुछ दिनों में मेहनत लगेगा, लेकिन इस पूरे मेहनत में टेस्ट बुक का सुपर कोचिंग आपके साथ रहेगा। जीवन में एक फॉर्मूला होता है, यह फॉर्मूला होता है आपका 21:2 आपका 90, ठीक है, 21:90 का ये एक फॉर्मूला यहाँ पे आपको अप्लाई करना होता है कंसिस्टेंसी के लिए। किसी भी चीज का अगर आप हैबिट डालना चाहते हो, तो उस हैबिट के लिए आपको वो चीज 21 दिन तक कंसिस्टेंटली करनी होती है, और वही हैबिट आप पूरे जीवन में, आप अपने निजी जीवन में उसी हैबिट को आप लाइफ टाइम के लिए चाहते हो, तो लाइफ टाइम के लिए अगर आपको वो हैबिट आपके जीवन में चाहिए, तो 90 दिन आपको वही चीज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सुबह 5 बजे उठने का आदत डालना है, 21 दिन विदाउट ब्रेक सुबह 5 बजे उठिए, 22वें दिन आपको अपने आप खुल जाएगी। थोड़ा एफर्ट्स लगेगा, लेकिन आप खुलेगी, और वही आप 90 दिन बिना किसी रुकावट, इवन संडे के दिन भी, संडे है चलो सो जाते, ऐसा नहीं, 90 दिन तक अगर आप सुबह 5 बजे उठते हो, पूरे जीवन भर के लिए आपका ये एक लाइफस्टाइल बनेगा सुबह 5 बजे उठने का। तो वैसे ही एक बार अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है एग्जाम, अगर आपने तय कर लिया कि आने वाले 10 दिन में हमें एनालिसिस करना है, तो एनालिसिस हम करके रहेंगे, कोई हमें रोक नहीं सकता है। अगर हमें 2 महीना में यहाँ पे स्टेट बोर्ड पढ़ना है, तो वो हम पढ़ के रहेंगे, इसके लिए हमें कोई रोक नहीं सकता है। अगर हमने तय कर लिया कि हमें अगला 2 महीना में एनसीईआरटी पढ़ना है, तो ये एनसीईआरटी हम पढ़ के रहेंगे, पैरेलली हम लाइव क्लासेस को अटेंड करेंगे। लाइव सेशंस के साथ साथ हमारे जो एसएमई भाई लोग हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, उनके बहुत ही बढ़िया से नोट्स आपके लिए हम बनाए हैं, और इसके ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते भी है। इतना विश्वास ये टेक्स्ट बुक का टीम आपको देता है, और जिसका खुद मैं जश्मजीत गवाह हूं, मैंने ये खुद देखा है कि जो हमने पढ़ाया है वही क्वेश्चंस और वही कंटेंट एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये एसएमई के नोट्स, लाइव सेशंस, और प्लस इन सभी लाइव सेशन में हमारे जैसे एडुकेटर्स जिनका 10 12 15 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, ये पढ़ाते वक्त आपके सामने कुछ पीडीएफ प्रस्तुत करते हैं। मान लीजिए कि हम आपको अगर पढ़ा रहे हैं करंट अफेयर्स या फिर नेशनल इनकम या फिर फंडामेंटल राइट्स, तो उसका पूरा आपका कम से कम, मैं कम से कम कह रहा हूं, 60-70 पेजेस का आपका पीडीएफ रहता है, और उन पीडीएफ के थ्रू हम आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे समझना है, क्लियर। अरे ये कोटा फैक्ट्री जब आया भी नहीं था ना शुभम, तब से मैं ये डायलॉग मैंने पढ़ के रखा है, तो ये मेरा खुद का भी नहीं है, ना ही ये कोटा फैक्ट्री का है, इससे पहले कोई तो ज्ञानी कह के गया था, तो इसका क्रेडिट पता नहीं किसका है, ठीक है। जहां से जो अच्छा मिलता है वो ले लो, फाइन। उसके बाद फोकस यहाँ पे बहुत जरूरी है, फोकस व्हाट्स नेसेसरी।
आपका कॉलेज का परीक्षा, आपका यूनिवर्सिटी का परीक्षा और आपका सिविल सर्विसेज का परीक्षा, इसमें बहुत अंतर होता है। आपने हमेशा से कॉलेज में, स्कूल के, यूनिवर्सिटी के परीक्षा में बताया जाता है कि व्हाट टू डू, आपने करना क्या है, बट सिविल सर्विसेज में क्वालिफाई होने का फॉर्मूला यहाँ पे थोड़ा सा अलग होता है, और वो होता है व्हाट नॉट टू डू, क्या आपने नहीं करना चाहिए। कई बार फर्स्ट अटेम्प्ट में बच्चे जोश जोश में आके यहां पे एकदम से ग्रुप डिस्कशन की शुरुआत करते थे, एकदम तय कर लेते, कोई तो किसी का इंटरव्यू पढ़ लिए और लगता है कि चलो अभी ग्रुप ग्रुप डिस्कशन करेंगे। वो ग्रुप डिस्कशन कब पॉलिटिकल डिबेट में तब्दील हो जाता है पता नहीं चलता है। कई बार न्यूज़पेपर का कोई आर्टिकल होता है, सुपरफिशियली हमें लगता है कि दिस इज समथिंग रिलेटेड टू बीपीएससी सिविल सर्विसेज, लेकिन उस आर्टिकल का कंप्लीट अप्रोच या तो ये पॉलिटिकल एंगल से लिखा होता है या किसी और एंगल से। तो आपको ये समझना चाहिए कि किस पर हमें फोकस करना है और किन बातों को हमें यहाँ पे अवॉइड करना है। व्हाट नॉट टू डू माने उसमें आपका सब आता है, व्हाट नॉट टू रीड, व्हाट नॉट टू रेफर, व्हाट नॉट टू वॉच। अगर यहां पे सिविल सर्विसेज में आवश्यक होता है कि आपको न्यूज पता होनी चाहिए, तो उसके लिए अगर आप किसी बेवकूफ का शो देखने लगोगे, अगर आप अर्नब का शो देखते हो फॉर एग्जाम्पल, तो वो एक कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम है। उसके लिए आपको यहां पे कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप संसद टीवी, लोकसभा, राज्यसभा के कुछ डिस्कशंस और एनालिसिस देख रहे हो तो वो आपके लिए जरूरी है। चाहे तो आप रविश कुमार का प्राइम टाइम देख सकते हो, जिसमें पूरे सरकार की नीतियों का एक एनालिसिस किया होता है, और जो एग्जाम में हमें सवाल पूछे जाते हैं क्रिटिकली एनालाइज वाले, तो ये क्रिटिकली एनालाइज वाले कुछ सवाल और उसका एक कंटेंट केस स्टडी आपको रविश कुमार के प्राइम टाइम जो एनडीटीवी पे होता है उससे मिल सकता है। तो उसके अलावा बाकी कुछ चीज मत देखिए। कई बच्चे कहते हैं कि हाँ सोशल मीडिया का हमें फायदा हुआ। व्यक्तिगत तौर पर मैं इस बात को कभी नहीं मान सकता हूं कि विद्यार्थियों ने सोशल मीडिया का फायदा पढ़ाई के लिए किया। अगर ऐसा होता तो किताबें क्यों बनती, पूरा का पूरा ज्ञान फ्री में सोशल मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर मिल रहा था। तो आपको क्या देखना है, कौन से रेफरेंसेस आपको रेफर करने हैं, क्या पढ़ना है, तो केवल ये एक स्टैंडर्ड अप्रोच अगर आप रखते हो तो उसमें आपका अधिक फायदा है। और फोकस व्हाट्स नेसेसरी, ये आपके काम तभी आएगा जब आपने, फिर से जो मैंने शुरुआत में बताया वही, कि जब आपने एनालिसिस यहाँ पे ठीक से किया होगा, जब आपने पिछले 10 साल का क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस ठीक से किया होगा, सिलेबस को ठीक से समझा होगा, तब जाके ये पॉसिबल है कि आपको किसके ऊपर फोकस करना है और क्या स्किप करना है, ये आपको समझ में आएगा। आपने ये एक नोटिस किया होगा कि सिविल सेवाओं में जब उसका परीक्षा का तैयारी आप करते हो, उसका जब अंतिम आपका निर्णय आता है, रिजल्ट आता है, तो बच्चों मुझे बताइए, यूपीएससी हो या बीपीएससी, 50 से 60% जो मार्क्स लेता है वो फाइनल लिस्ट में होता है या नहीं होता है। हमारे इस एग्जाम का कैट की तरह या सीईटी की तरह ऐसा नहीं है कि 99.99%, 99.98%, 92%, ऐसा नहीं है। हमारा ऑन एन एवरेज 50-60% का जो आपका अप्रोच अगर आप रखते हो कि हाँ हमें इतना लेना और कहाँ से लेना है, तो उसके लिए आपको सही से फोकस करना जरूरी है। तो ये फोकस करते वक्त आपके पास एक डिफाइंड रिसोर्सेस होना बहुत आवश्यक होता है। अब ये डिफाइंड और स्टैंडर्ड रिसोर्सेस क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपको क्या रीड करना चाहिए? रीड करने के लिए स्टैंडर्ड बुक्स कौन से हैं, ये मैंने आपको बताया। एसएमई के नोट्स हमने आपको बताया, प्लस बुक लिस्ट, ये सारा का सारा चीज प्रोवाइड करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा टेक्स्ट बुक का। इस कोर्स में आपको हम ये प्रोवाइड करेंगे, प्लस न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में फिर आप तय कीजिए कि आप कौन से भाषा में कंफर्टेबल हो, अंग्रेजी में, हिंदी में। अगर अंग्रेजी में कंफर्टेबल हो तो फिर उस केस में
द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस, दोनों में से कोई एक न्यूज़पेपर पढ़ो, या फिर दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, ये दोनों में से कोई एक हिंदी वाला न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। ये पढ़ने का फायदा एक है कि जब हम आपको क्लास में पढ़ाते हैं, हमारा कोई भी एडुकेटर, तो इन न्यूज़पेपर का रेफरेंस हम जरूर लेते हैं, क्योंकि हर एडुकेटर को अपने आप को अपडेट करना होता है। तो कोई भी टॉपिक पढ़ाते वक्त अगर उससे जुड़ा हुआ कोई चीज सोसाइटी में चल रहा है, न्यूज में है, तो उसका रेफरेंस हम जरूर लेते हैं। तो ये अगर आप यहाँ पे ठीक से पढ़ते हो, तो आपका जो स्टैटिक पार्ट है जनरल स्टडीज का, ये स्टैटिक पार्ट प्लस आपका करंट का जो पार्ट है, ये यहाँ पे आपका स्ट्रांग होता है। और एग्जाम के लिए जो डायनामिज्म यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, ये डायनामिज्म आप में आप इनकलकेट कर सकते हो, अपने आप में वो ला सकते हो। तो इसलिए करंट अफेयर्स का यहाँ पे आपको जो अप्रोच है वो मजबूत करना है, जिसके लिए न्यूज़पेपर, लाइव क्लासेस, क्योंकि लाइव क्लासेस में भी कई बार ऐसे लाइव एग्जाम्पल्स हम देते हैं। आप में से शायद ऐसे कई सारे बच्चे हो सकते हो कि जिन्होंने मेरे मास्टर क्लासेस किए हैं, या फिर जिन्होंने मेरे यूट्यूब की सीरीज की है, टेक्स्ट बुक की, या फिर ऐसे कई बच्चे हो सकते हैं कि मेरे लाइव जो रेगुलर स्लेक के क्लासेस चलते हैं उसमें भी हम हमेशा ये करंट अफेयर्स का रेफरेंस देते हैं उस टॉपिक से। तो ये हम आपको बताते हैं कि आपको क्या रेफर करना है, आपको क्या देखना है। प्लस ये देखने वाला जो चीज है उसमें हमने आपको बताया कि जो हमारे सुपर एडुकेटर्स है, देखो ये जो हमारे स्पेशल सुपर एडुकेटर्स है, इनके 25 से अधिक वीडियो, मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर आपने ये जो वैल्यू एडिशन वाले वीडियोस अगर देख लिए, लगभग ये 1 घंटे का वीडियो आपका पूरा 1 महीने का वक्त बचा सकता है। क्योंकि इन 1 घंटे के क्लास में आपको परीक्षा के लिए आवश्यक जो अप्रोच है वो अप्रोच यहाँ पे मिलेगा। किस प्रकार से आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स का इस्तेमाल करना है, और सबसे महत्वपूर्ण कि आपको क्या स्किप करना है, क्या छोड़ना है, और किस पर फोकस करना है, ये सभी चीज ये जो हमारे सुपर कोचेस हैं, प्लस हमारे लाइव कोचिंग में जो हमारे जैसे सुपर कोचेस रहेंगे, जिनका मैंने कहा कि कम से कम 10 12 15 साल का एक्सपीरियंस है, वैसे 2009 से सभी विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूं, तो अभी तक वो एक अप्रोच डेवलप हो चुका है कि परीक्षा आपको क्या पूछ सकती है और आपको क्या स्किप करना है। तो इस चीज का आप सभी ने यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये सब आप तभी कर पाओगे जब आपने आपका इंडिविजुअल एनालिसिस किया हो और आप सिंसियरली सभी क्लासेस को अटेंड कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने कहा कि हर कोई आरंभ शूर होता है, आरंभ शूर माने कि क्या, शुरुआत में हर कोई यहाँ पे बिल्कुल शेर की तरह दहाड़ेगा कि नहीं, हम तो पहले प्रयास में ही डीएसपी बनेंगे या फिर डेप्टी कलेक्टर बनेंगे, लेकिन 2 4 महीना बाद प्रैक्टिस एकदम से आपका सुन्न पड़ जाता है। तो वो नहीं करना है, प्रैक्टिस करना है, लेकिन प्रैक्टिस भी किस प्रकार का आवश्यक है कि यहाँ पे आपका परफेक्ट प्रैक्टिस होना जरूरी है। ये अंग्रेजी कहावत है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, बट कौन सा प्रैक्टिस? अगर क्रिकेट में बैटिंग का प्रैक्टिस करना है और बैट ही आप उल्टा पकड़ रहे हो और उल्टा पकड़ के प्रैक्टिस करोगे, तो क्या आप एक अच्छे बैटर बन पाओगे? कदापि नहीं बनोगे। आपको सबसे पहले परफेक्ट प्रैक्टिस सीखना पड़ेगा, और यही परफेक्ट प्रैक्टिस आपको सिखाने के लिए ही हमने ये जो इतना सारा 220 से अधिक मॉक टेस्ट बना के रखे हैं, 250 से अधिक स्टडी नोट्स और 1000 के ऊपर लाइव सेशन हमने क्यों रखे, ताकि आपका मैक्सिमम प्रैक्टिस हम कर सके। और इस प्रैक्टिस का पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड हमारे पास होता है लाइव क्लासेस में आपके लिए। जो एमसीक्यूज होते हैं, ये एमसीक्यू को हम कंडक्ट करते हैं, उसका पोल पब्लिश करते हैं हम। उस पोल के माध्यम से हमें पता चलता है कि स्टूडेंट्स का यहाँ पे
किस प्रकार से परफॉर्मेंस है, उसके बाद लाइव सीरीज में, लाइव क्लास में आपका मेंस का जो आंसर राइटिंग है, उस मेंस का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हम कराते हैं। मेरा जो विषय है करंट अफेयर्स, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, और अगर मेरे कोई पुराने बच्चे यहाँ पे है तो वो ये बता पाएंगे कि किस प्रकार से लाइव क्लासेस में हम मेंस का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराते हैं। तो ये आपका परफेक्टली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराना, ये हमारा एक अहम भूमिका होता है यहाँ पे। हर सेशन के बाद सुपर कोचिंग के इस इनिशिएटिव में जितना, मान लीजिए कि हमने आपको पढ़ाया आपका प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, ये टॉपिक पढ़ाया, जैसे ही ये टॉपिक पढ़ा के खत्म हो जाता है उसके ऊपर का सारा एमसीक्यू आपको तुरंत मिलेगा। एसएमई भाइयों ने हमारे बनाए हुए नोट्स आपको मिलेंगे, प्लस सेम क्लास में हम एडुकेटर उस विषय से जुड़ा हुआ ऐसे 2 से 3 मेंस का क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस के लिए देते हैं। तो उस मेंस क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी हम आपसे कराते हैं, ठीक है। और ये सभी प्रैक्टिस, ये सभी चीज आपको, जैसे मैंने कहा, केवल महीने का 650 रुपया के आसपास आपको पैसा खर्च करना है, और उसमें भी एडिशनल 20% डिस्काउंट अलग से अगर आप हमारा कूपन कोड अप्लाई करते हो तो, ठीक है। तो एवरीथिंग इज अबाउट प्रैक्टिस, बट वो प्रैक्टिस आपका कैसा होना चाहिए, परफेक्ट प्रैक्टिस होना चाहिए। और आपका प्रैक्टिस परफेक्ट है या नहीं ये कौन बताएगा, ये हमारे जैसे एडुकेटर, हमारे जैसे सुपर कोचेस, ये हम सब आपको समय समय पर बताते रहेंगे। और आपके प्रैक्टिस को और रिफाइन करने के लिए हमारा यहाँ पे निरंतर स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन होते रहता है। तो ये इंटरेक्शन आपको यहाँ पे और ज्यादा क्या करेगा, और ज्यादा आपके पढ़ाई को प्रोडक्टिव बनाएगा, ताकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका जो टारगेट है, जो सक्सेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, उसको आप अचीव कर सको, ठीक है। तो बच्चों यहां तक मैंने जो डिस्कस किया, अगर सब कुछ क्लियर है तो मुझे पोल को यस करके रिस्पॉन्स दे, और अगर आप में से किसी के कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज है, तो प्लीज आप मुझे पूछ सकते हो, ताकि हम रिमेनिंग पार्ट आपके क्वेश्चन देखने के बाद शुरू करें। सर प्रीवियस करने से 50% कवर हो जाएगा, देखो मैं ये नहीं कहता हूं कि प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ने से आपका 50% कवर होगा, लेकिन आपके पास वो अप्रोच यहां पे बहुत अच्छे से डेवलप होगा। वरना यहां पे आप तो पहले से एसडीएम मैडम हो, तो आप तो समझते हो फिर हर कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेगा और वही एग्जाम में पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है, हमें एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना पड़ता है। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सीरियस एग्जाम ऑल्सो, प्लीज गिव मी सम स्पेशल टिप्स सो दैट आई विल क्लियर इट इन 2 months। 2 महीना में कैसे क्वालिफाई करना होता है, आई मीन हाउ टू क्वालिफाई योर बीपीएससी इन 2 months, दैट सेशन आई ऑलरेडी हैड कंडक्टेड 2 days बैक, सो आई वुड सजेस्ट यू टू गो एंड रेफर दैट सेशन। एंड फॉर द सीरियस स्पेसिफिकली आई एम सो सॉरी, आज के क्लास में सीडीएस को मैं फोकस नहीं कर सकता क्योंकि द एंटायर क्राउड बिलोंग्स टू बीपीएससी, बट यस यू कैन पोस्ट योर क्वेरीज टू मी ऑन माय ऑफिशियल टेस्ट बुक्स टेलीग्राम चैनल एंड आई वुड श्योरली एड्रेस ऑल योर क्वेरीज, ठीक है। एंड में आई वुड डेफिनेटली टेल यू सम स्ट्रेटेजी फॉर द सीडीएस, विच सब्जेक्ट आप, मतलब पर्सनली अगर आप कहोगे तो मेरा विषय है पॉलिटी, और यहाँ पे बीपीएससी के इस पूरे सुपर कोचिंग के सीरीज में जो आपको पढ़ाया जाएगा, तो आपको 100% सिलेबस का कवरेज ये कंप्लीट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है टेस्ट बुक का, ये आपका प्रैक्टिस, आपका कोचिंग, और उसके साथ साथ हम आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी कंडक्ट करते हैं, ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट चीज मिस ना हो। अभी प्रिपरेशन के दरमियान फर्स्ट अटेम्प्ट में स्ट्रेस आ सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो कंफ्यूजन इतना हो जाता है कि कहाँ शुरू किए थे, कहाँ पे आके रुके, अब कैसे आगे गाड़ी लेके जाए। तो उसके लिए जैसे मैंने आपको कहा कि 100% सिलेबस का कवरेज, 100% माने 100% आपका सिलेबस इस कोर्स में कंप्लीट होगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। तो सिलेबस आपका यहाँ पे कवर किया जाएगा, प्लस
आपके जो डाउट्स है सभी के सभी डाउट्स को यहाँ पे एड्रेस किया जाता है, ठीक है। और उसके लिए हमारा एक स्पेशल प्रोविजन ऐसा है टेक्स्ट बुक का कि हम आवश्यकता पड़ने पर कुछ एक्स्ट्रा सेशंस भी लेते हैं अगर सिलेबस का कोई टॉपिक हमारा पीछे है तो, और हमारे कुछ डाउट सेशंस भी कुछ टॉपिक खत्म होने के बाद होते हैं। उसके साथ साथ हमारा एक गपशप सेशन होता है। तो इन एक्स्ट्रा क्लासेस के थ्रू, डाउट सेशन के थ्रू, गपशप सेशन के थ्रू स्टूडेंट्स को जितने भी डाउट्स है, माने हो सकता है 2-3 महीना आपने पढ़ लिया, कुछ क्वेश्चंस अलग से आपने देख लिए, या फिर कुछ क्वेश्चंस को लेके बहुत सारा कंफ्यूजन, बहुत सारा डाउट आ चुका है, तो ऐसे केस में भी ये सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए, माने ये हम मेक श्योर करते हैं कि 1 साल के आपके प्रिपरेशन में आपका पोस्ट निकलने में कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए मान लीजिए कि आपका अभी 10 सेशन हो गया, 10 सेशन में एक पार्ट जो है सिलेबस का उसको हमने खत्म किया, उसके बाद हम उसके ऊपर डाउट सेशन रखेंगे, एक जनरल वैल्यू एडिशन के लिए उसके ऊपर गपशप सेशन रखेंगे। और अगर ऐसा लग रहा है कि आपका जो टॉपिक है, ये आपका टॉपिक अगर 90 मिनट में नहीं कवर हो रहा है, 90 मिनट में उस टॉपिक का केवल 60% कवर हो रहा है, क्योंकि लाइव क्लासेस में हम स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन भी करते हैं, जैसे अभी आप यहाँ पे कमेंट कर रहे हो, एग्जैक्टली वैसा ही कमेंट का एक प्रावधान हर एक लाइव क्लास में होता है। कई बार स्टूडेंट्स के क्वेरीज क्लास में हम एड्रेस करते हैं, और यही कोशिश होती है कि उस क्लास के बाद स्टूडेंट्स को कोई डाउट ना रहे। तो मान लीजिए कि अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है जिससे सिलेबस का पूरा कवरेज नहीं हो रहा है, टॉपिक 100% 90 मिनट में खत्म नहीं हुआ, 60% ही खत्म हुआ, तो उसके लिए भी हम एक्स्ट्रा क्लासेस यहाँ पे स्केड्यूल करते हैं, और उस एक्स्ट्रा क्लासेस के थ्रू आपका ये पूरा का पूरा जो कवरेज है सिलेबस का, ये हम कंप्लीट करेंगे। और केवल नाम के लिए सिलेबस नहीं कंप्लीट करना है, आपका कंफ्यूजन ये पूर्ण तरीके से दूर करना, ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव है। इस पूरे प्रिपरेशन में जो विद्यार्थी सिंसियर होते हैं, देखो स्ट्रेस उन्हीं को आता है जो पढ़ाकू होते हैं। स्ट्रेस फ्री दो ही लोग होते हैं, एक कि जो बिल्कुल आइंस्टाइन का दिमाग रखते हो या कोई रजनीकांत हो, ठीक है, तो वही स्ट्रेस फ्री रहेंगे, या फिर ऐसा कि जो बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, केवल टाइम पास के लिए अटेम्प्ट दे रहे। तो ऐसे टाइम पास के लिए अटेम्प्ट देने वाले भी यहाँ पे जो है बिंदास रहेंगे, लेकिन जो आम जनता है जो बहुत ही सिंसियर है, ठीक है, पढ़ाई को लेके सिंसियर है, पोस्ट निकालने को लेके सीरियस है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को यहाँ पे स्ट्रेस आता है। तो आपके साथ समय समय पर हम इंटरेक्ट भी करेंगे, हमारा जो एक्सपर्टीज का पैनल है एडुकेटर से, हम आपके साथ हमेशा कनेक्ट करते हैं, हम आपके साथ बात करते हैं। हर एक बैच का अपना एक स्पेशल टेक्स्ट बुक का एक टेलीग्राम ग्रुप होता है, जिसके थ्रू एडुकेटर्स आपसे हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, आपके डाउट्स हो, आपके स्ट्रेस हो, ये सारी चीज ये हम इस सुपर कोचिंग में एड्रेस करेंगे। और उसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन में कुछ ऐसी अच्छी आदतें डाल लो, जैसे कि कुछ सिंपल से एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइजेस के लिए आपको कोई जिम विम लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप रोज 1-2-3 किलोमीटर का दौड़ लगाओ, एक 15-20 मिनट का सूर्य नमस्कार कर लो, 15-20 मिनट का योगा प्राणायाम कर लो, उतना भी बहुत है, उसमें और 10 मिनट ऐड करके थोड़ा मेडिटेशन ऐड कर दो। तो अगर रोज सुबह का 1.5 घंटा आप अपने आप के लिए निकालते हो, तो ना ही आपको कोई स्ट्रेस आएगा, ना ही कोई टेंशन आएगा, प्लस आपका फोकस जो है, आपका फोकस बहुत इंप्रूव होगा, ठीक है। और ये आपका फोकस, आपका कॉन्सेंट्रेशन, ये जितना बेहतरीन उतना आपको एग्जाम में क्वालिफाई होने का जो संभावना है वो बढ़ा देता है। तो आपका फोकस कंसंट्रेशन इंप्रूव होगा, आपको स्ट्रेस नहीं आएगा, आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा,
और आपका एफिशिएंसी जो है, ये एफिशिएंसी आप बढ़ा सकते हो। केवल आप बैठे हो और नाम के लिए पढ़ाई कर रहे हो, केवल एक ईगो सेटिस्फाई कर रहे हो। ऐसे कई बच्चों को मैंने देखा है, वो ईगो पे लेके 14-14 15-15 घंटा पढ़ाई करते हैं, लेकिन बेचारे 3-4 साल से जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट उनको मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। कुछ बच्चे तो ऐसे कि कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन पीटी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि वो अप्रोच नहीं डेवलप कर रहे। कुछ आपके प्रिपरेशन में समय के अनुसार बदलाव होना भी जरूरी है। आइंस्टाइन ने एक बहुत अच्छा चीज यहां पे कहा था कि अगर आपका रिजल्ट कुछ अलग चाहते हो तो आपको आपकी प्रोसीजर बदलनी पड़ेगी। इफ यू आर डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन देन डोंट एक्सपेक्ट द डिफरेंट रिजल्ट। अगर आपको रिजल्ट डिफरेंट चाहिए, अच्छा चाहिए, तो वही मत कीजिए जो पिछले साल किया था। एक्सपर्टीज का मार्गदर्शन लो, क्लासेस में देखो, एक्सपीरियंस लो कि क्या पढ़ाते हैं, लाइव क्लासेस में आपके डाउट्स क्लियर करो। लाइव क्लासेस के थ्रू मेंस आंसर राइटिंग का आपका जो अप्रोच है, जो डायनामिज्म है, उसको डेवलप करो। किस प्रकार से करंट अफेयर्स को आप लाइव क्लासेस के थ्रू समझ सकते हो उसको समझो। ये सारा का सारा जो हमने आपके लिए प्रावधान किया है सुपर कोचिंग का, ये इसी के लिए है कि आपको स्ट्रेस ना आए, और क्लास में आने के बाद आपको स्ट्रेस नहीं आएगा। यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस हम डेवलप करेंगे, और वो उसके लिए हमें कोई क्लास अलग से लेने की जरूरत नहीं है। आपका 1 महीना के क्लास के बाद अपने आप कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। हाँ, मेक श्योर कीजिएगा कि आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, कहीं ऐसा ना हो कि दिन में 3 क्लासेस के बाद आप इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो गए कि आगे आप पढ़ने के मन में ही नहीं हो, उस मनस्थिति में नहीं हो। तो ऐसा मत करो, थोड़ा अपने हिसाब से एक्सरसाइज करो, क्लासेस को कंसिस्टेंटली अटेंड करो, एंड ट्रस्ट मी, यू विल गेट द बेटर रिजल्ट्स। और सबसे जरूरी, पॉजिटिव रहो, किसी भी प्रकार के र्यूमर्स पे बिलीव मत करो। कोई भी निगेटिव थॉट मन में मत आने दो कि अरे 67 बीपीएससी में गड़बड़ी हो गया था, 68 में भी हो गया तो क्या होगा, इस बार भी ऐसा ही पेपर लीक हो गया तो क्या होगा। एवॉइड सच थिंकिंग, एवॉइड सच थॉट्स। जो पढ़ाया गया है, जो आपको टारगेट दिए गए हैं, जो रेफरेंस बुक्स आपको दिए गए हैं, दैट्स इट, उतना आपने पढ़ना है। माने इन सभी चीजों पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप स्टेट बोर्ड के बुक्स उसको कलेक्ट करो, स्टेट बोर्ड के बुक्स का सोर्स ढूंढ के निकालो। टेलीग्राम पे मिल रहा है, गूगल पे मिल रहा है, किसी वेबसाइट पे मिल रहा है, या फिर किसी बुक स्टोर में जाके। उसके बाद एनसीईआरटी, एनसीईआरटी देखो कहां पे मिल रहा है, उसको रीड करना शुरू करो। हमारे डाउट सेशंस को अटेंड करो। प्लस आपको ये सारे क्लासेस रिकॉर्डिंग भी मिलेंगे। अगर मान लीजिए कि आपको टॉपिक पढ़ाया गया आपका 1857 रिवोल्ट एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आफ्टर दैट, तो अगर ये टॉपिक आपको पढ़ाया गया, ये टॉपिक आपने क्लास अटेंड कर लिया, सब कुछ अच्छे से है, आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया, बाद में जब आप कोई रेफरेंस बुक या एसीएमई के नोट्स पढ़ते हो, तो उस एसीएमई के नोट्स के दरम्यान अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो फिर से आप उसका रिकॉर्डिंग देख सकते हो। और उसके अलावा यहाँ पे एक डाउट्स एंड डिस्कशन, ये एक फोरम, ये एक प्लेटफॉर्म आपको यहाँ पे टेक्स्टबुक पे मिलेगा कि आप वहां पे आपका कोई भी डाउट पोस्ट कर सकते हो रिगार्डिंग योर सब्जेक्ट, रिगार्डिंग नोट्स। उस डाउट का समाधान आपको विद इन 1 आवर आपको वो मिलेगा, और उसको हम, ये ऑटो जनरेटेड रिप्लाई नहीं होगा, ठीक है, 1 आवर रिप्लाई माने विथ रिजोल्यूशन आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। तो आपने ये करना है, ठीक है। जितना आपका फोकस अच्छा, जितना आप जल्द से जल्द बेसिक पे ध्यान दोगे, स्टेट बोर्ड के बुक्स फिनिश करोगे, एनसीईआरटी फिनिश करोगे, उसके बाद हर एक सब्जेक्ट का अपना एक स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक होता है। हर एक सब्जेक्ट का, हिस्ट्री का बिपिन चंद्रा पढ़ो, या फिर आपका ग्रोवर एंड ग्रोर पढ़ो, पॉलिटी के लक्ष्मीकांत पढ़ो, इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह की किताब पढ़ो, ठीक है। और कुछ चीजें तो ऐसी है जैसे कि आपका इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, इस ऐसे छोटे छोटे टॉपिक जो कि आपके क्लास में ही अच्छे से कवर हो जाते हैं, सोसाइटी आपका क्लास में ही अच्छे से कवर होगा, ठीक है। माने इससे जुड़े हुए जितने भी टॉपिक है, ये सभी के सभी हम अच्छे से क्लास में ही कवर करा के देते हैं। तो पॉजिटिव रहो,
पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सराउंडिंग रखो, ऐसे रोतलू निगेटिव स्ट्रेस लेने वाले जितने भी एस्पायरेंट्स हैं उनसे दूर रहो। कुछ एस्पायरेंट्स केवल यहाँ पे पढ़ाई कम और स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं, दिखावा इतना ज्यादा होता है, तो ऐसे दिखावा ज्यादा वाले लोगों के साथ जितना आप आपका रिश्ता कट डाउन कर सको उतना करो। पढ़ाई करते वक्त आप जितना खुश, खुश माने बेवजह हंसते हंसते पढ़ाई नहीं करना है, खुश माने एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप पढ़ाई अगर करोगे तो निश्चित तौर पर फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका पोस्ट निकलेगा। और ये गौतम बुद्धा का बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक उन्होंने बात कही है जो कि जीवन का सत्य है, द माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम। पूरा शक्ति आपके दिमाग में है, आप जो बनना चाहते हो, जो आप सोचते हो वो आप बनोगे। वो कहते हैं ना, इफ यू थिंक यू कैन सो यू आर राइट, एंड इफ यू थिंक यू कांट देन ऑल्सो यू आर राइट। तो हमेशा सोचो कि यस यू कैन, तो आपका माइंडसेट ये आपको हमेशा पॉजिटिव रखना है। प्रैक्टिस आपको कंसिस्टेंटली करनी है, प्रैक्टिस के साथ साथ आपका सेल्फ असेसमेंट आपको सही से करना है, और उसी के लिए ये सुपर कोचिंग आपको हर एक स्टेज में आपकी मदद करेगा। फिर वो स्पेशल वीडियोस क्यों ना हो, मॉक टेस्ट क्यों ना हो, स्टडी नोट्स क्यों ना हो, और आपके डेली लाइव क्लासेस क्यों ना हो, और इन सभी चीज का असेसमेंट हम यहाँ पे करते हैं। आपने कितना टेस्ट दिया, आपका स्कोर क्या है, इनफैक्ट आपने कितने क्लासेस अटेंड किए, कितने मिस किए, इसका भी पूरा एक रिकॉर्ड हमारे स्केड्यूल में होता है। और हम ये मेक श्योर करते हैं कि आपको यहाँ पे हम क्लासेस आपके सारे हम फिनिश करा दें। प्लस टाइम मैनेजमेंट कुछ हमने इस प्रकार से रखा है कि एक दिन में आपके ऊपर ओवरबर्डन नहीं आना चाहिए क्लासेस का। तो उसी के लिए हमने क्लासेस का भी एक रेशो कुछ इस प्रकार से रखा है कि क्लासेस प्लस आपका सेल्फ स्टडी, ये दोनों आप यहाँ पे ठीक से मैनेज कर पाओ। तो इस चीज का भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो ये पूरा चीज आपको सुपर कोचिंग में मिलेगा, प्लस ये जो सुपर टीचर्स हैं, सुपर कोचेस हैं, इनका मार्गदर्शन, और ज्यादा कॉस्टली नहीं है, केवल 667 पर मंथ में। और अगर आप मेरा ये जो कूपन कोड है सुमित एम, जो कि मैंने हर पेज में देके रखा है, तो अगर आप इस कूपन कोड को अप्लाई करते हो तो डेफिनेटली आपको 20% डिस्काउंट इमिडिएटली मिलेगा। तो ये जो कूपन कोड यहाँ पे मैंने दिया है आप इसको अप्लाई कर सकते हो, तो आप इसको अप्लाई कीजिए और आप इस कोर्स को तुरंत परचेस कीजिए, ताकि आई वुड लव टू सी यू ऑल इन द क्लास। सीडीएस के लिए मुझे जो आपने पूछा था, मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले तो पिछले 2 साल के जो पेपर थे उनको सॉल्व कीजिए, उसमें आपका स्कोर क्या आ रहा है उसको देखिए, और उसके बाद यहाँ पे आपका वीक सब्जेक्ट कौन सा है। ये आपको केवल अभी आपके पास 2 महीने का ही वक्त है, तो पिछले 2 साल का अटेम्प्ट कीजिए, सब्जेक्ट वाइज स्कोर निकालिए, सब्जेक्ट में भी सब टॉपिक वाइज स्कोर निकालिए, और तब जहां पे आपका स्कोर बहुत कम है वहां पे आपको थोड़ा सा वर्कआउट करना है, फिर ल्यूसेंट लो या फिर कोई एक गाइड लो और उतना टॉपिक खत्म करो। और बीपीएससी के लिए यहाँ पे सुपर कोचिंग के थ्रू मैं सभी स्टूडेंट से गुजारिश करूंगा कि अगर आप अभी से इसको ज्वाइन करते हो, सो इन दैट केस डेफिनेटली 1 साल खत्म होने से पहले आपको उतना कॉन्फिडेंस तो आ ही जाएगा कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्वालिफाई कर रहे हो। तो बच्चों, अगर और किसी को कोई डाउट या क्वेरी है तो प्लीज आप मुझे पूछिए, नहीं तो आप मुझे पोल को यस करके रिस्पॉन्स दीजिए कि सब कुछ आप समझ चुके हो, सब कुछ आपको क्लियर हो चुका है, अगर कोई डाउट नहीं है, सब कुछ अच्छे से समझा है, क्लास को एंजॉय किया है, तो मुझे पोल को रिस्पॉन्स दे। मैं आप सभी के साथ मेरा ऑफिशियल टेस्ट बुक का टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शेयर किया हूँ, मैंने उसको पिन कर दिया है, इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। कूपन कोड अप्लाई करते वक्त एडमिशन रिलेटेड कोई भी दिक्कत, कोई भी क्वेरी है, सो प्लीज फील फ्री टू मैसेज मी देयर। तो हम और उस ग्रुप में हमारा टेस्ट बुक का बाकी का टीम मेंबर भी है, हम आपको वहां पे बताएंगे कि कहां पे आपको दिक्कत है, किस प्रकार से कूपन कोड अप्लाई करना है। सो मेक श्योर कि जल्दी से जल्दी एडमिशन ले, जल्दी से जल्दी क्लासेस के इस फ्लो में आ जाए और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका पोस्ट निकाले। तो आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं,
तो बहुत ही जल्द मिलेंगे अगले क्लास में, फिर से हम स्ट्रेटेजी और कुछ बेसिक टिप्स के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखना।